समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली भी फ्री करने का ऐलान किया है। वहीं कल भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो जारी करने जा रही है, जिसमें सूत्रों से जानकारी मिली है बिजली से संबंधित कुछ बड़ी घोषणा की जा सकती है बीजेपी द्वारा। करने को होता तो करने देती पहले, अब वो तो सरकार में, वे तो आज चाहे तो कर सकते, घोषणा क्या है, लेकिन वो ना करने ही नहीं था, वो तो डर के मारे वो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी बात पे कोई भरोसा। अच्छा सर, जो आपके यहाँ आपसे ही पार्टी में गुर सीखे थे वही दाव खेल रहे हैं, क्या लगता है? जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रतिद्वंदी समय है और जो आपकी पार्टी से गुर सीखे थे और सब कुछ आप पे ही दाव चल रहे हैं आजकल, हमारे कौन से दाव थे? तो डायरेक्ट में समाजवादी पार्टी पे आप भी आरोप लगाना चाहते हैं? हमारी पार्टी कौन सा उन्होंने गुर सीख दिया? कभी हमारी पार्टी का गुर सीखा होता तो उन्हें ये भागने ही नहीं पड़ता। हमारी पार्टी तो हमेशा जनता के विकास का काम भाजपा के एक सांसद है बृजभूषण सिंह, उन्होंने अभी बीच में इसमें चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री करी है। उन्होंने बयान दिया है कि अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो रमजान के सहारा बंधेगा और वहीं पाकिस्तान खुश होगा। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस पे हम क्या कहें? अब जब उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा है, यही कह रहे हैं, जनता जब लड़ रही है तो और क्या कहेंगे, यही कह रहे हैं। बीजेपी का मैनपुरी से कुछ नेता है बीजेपी के, वो लगातार मन से ही कह रहे हैं कि नेताजी यहाँ से सांसद होकर जीते दोबारा नहीं आए, अगले जी जाएंगे वो भी लौट कर नहीं आएंगे, तो वोट ना करें उनको। नेताजी दोबारा पहले भी रहे, रक्षा मंत्री रहे, तो उनका आरोप ये कि नामांकन के बाद दोबारा नहीं आए। ऐसे कौन कहेगा, यहाँ तो 24 घंटा हम लोग रहते हैं। हम ये वो लोग कहें जहाँ से वो MP रहे पहले आजमगढ़ वाले, वो तो ये कह सकते, वो कभी नहीं कहते, जहाँ रहते हैं वहाँ वाले लोग हैं तो उनको कौन मान लेगा। प्रोफेसर साहब, AIM के अवेशी जी पे अभी देखा होगा आपने, हमला हुआ था उनका, वो हमला करने वाले हिंदूवादी संगठन से जुड़े तार पाए गए आने वाले। बीजेपी का ये धंधे ये भी तो ऐसा है, हम उनके बारे में वैसे साहब के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। नहीं, जो वर्तमान में हालात पैदा हो रहे हैं हिंदूवादी संगठन नहीं पैदा हो रहे हैं यार, कहाँ पैदा हो रहे हैं, तुम्हें कमेंट देख रहा है कोई? नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि हिंदूवादी संगठन का कहीं नहीं, क्यों आप यही बात कह रहे हैं? आप किन से किसने भेजा गया, किस चैनल के आप? सारी सीटें आ रही है, ये बताइए बीजेपी कितनी आ रही है, बीजेपी कहीं मिल। अच्छा सर, जनपद में जो पहले जो इतिहास दोहराया गया था वही, या एक सीट जो निकल गई थी वो भी वापस हम जीत रहे हैं भाई, अभिनौती पूरी।